start again. So let's do it. तो हमारा सर्किट तो बन के रेडी है। यहाँ पर मैं खुद का बनाया हुआ 12 वोल्ट का बैटरी पैक यूज़ करूँगा। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं, आई कार्ड पर लिंक दे दूंगा। सो इनपुट के लिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी पैक यूज़ कर रहा हूँ और ये रहा हमारा कनेक्टर। कनेक्टर को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने इनपुट दे दिया 12 वोल्ट का और आउटपुट में 4.15 वोल्ट आ रहा है। अब ये लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप 5 वोल्ट का कोई लोड कनेक्ट करते हो तो 5 वोल्ट का आउटपुट देगा ये। यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर ले लिया, इसे 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया है। अब इसके इनपुट पर मैं चेक कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 11 वोल्ट है इनपुट और आउटपुट में यहाँ पर शो कर रहा है 14.15 वोल्ट। अब इसे मैं मल्टीमीटर से भी आपको चेक करके दिखाऊंगा और वोल्ट मीटर को मैंने एज ए आउटपुट लिया, आपको बता दूं। उसके बदले आप कुछ और भी कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टीमीटर में आप देख पा रहे हो कि 4.25 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, वोल्ट मीटर को ऐसे मैंने आउटपुट लोड की तरह कनेक्ट किया है। आप इस सर्किट को ऐसे जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको 5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है बट आपके पास उस समय 7805 वोल्टेज रेगुलेटर अवेलेबल नहीं है। सो इस सर्किट को आप यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह की स्क्रीन thank you.
और इसी तरह की स्क्रीन पर आपको दो वीडियो और दिख रहे होंगे, इसे क्लिक करके जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।